We were Jesus, Sammy, Blue Jean Baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, faded little map dots, New York to LA. ये बैटरी लेने के लिए जब रूरल किंग पहुंचे तो नजर पलाल ही पलाल था, और बेलचे और रस्सियां नजर आईं, उसके साथ साथ हंटिंग के इक्विपमेंट और कपड़े नज़र आए जो अमरीकी ये वैसे भी देहात में फैशन के तौर पे भी ये कपड़े पहनते होते हैं। इस फैशन के बाद फिर बाद में हमें फ्लैनल्स नज़र आए जो आटम के सीज़न में काफ़ी लोग पहनते हैं। वहाँ पे हमें ये बुजुर्ग मिले जिन्होंने फ्लैनल्स की तारीख के बारे में बताया। इट्स रॉब रॉय, रॉब रॉय मैकग्रेगर। यू रिमेंबर रॉब रॉय? No, I wouldn't. Okay, all right. Rob Roy. The English had criminalized him because the English allowed the Lowlanders and the Campbells to take the McGregor land, which was on the Highlands. Okay. So Flannel का डिज़ाइन स्कॉटलैंड का डिज़ाइन है जो हाईलैंड के कबायली थे वो पहना करते थे 200-300 साल पहले और अब भी, और ख़ास तौर पर रॉब रॉय मैकग्रेगर जिसके फिर बाद में लोग अमेरिका आके बसे थे, उन्होंने ये डिज़ाइन लेके आए। रॉब रॉय जो था वो स्कॉटलैंड का फोक हीरो है जिसने उस वक्त के वडेरे मंट्रूज के साथ जंग लड़ी थी। मंट्रूज का कर्जी हो गया था रॉब रॉय, कर्ज ना देने पे आउटला करार दिया गया था। आउटला का उस वक्त में ये था कि आउटला जो लोग होते थे उन पे कानून नहीं अप्लाई होता था, उनको कोई भी पकड़े मारे जो भी करे रियासत या कानून बीच में नहीं आए। तो उसने फिर बड़ा महाज खड़ा किया और फिर स्कॉटलैंड का एक फोक हीरो के नाम पर आज भी माना जाता है। रॉब रॉय मुझे ऐसे लगा कि ये इनका परू चांडियो था। ये कहानियां और तारीख सुन के मुझे भी बड़ा शौक चढ़ा फ्लैनल्स का। मैं उधर पहुंचा लेने के लिए, अमरीकी काफी कदावर बड़े होते हैं, उधर ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज साइज में शर्ट्स थे, मेरे साइज की कोई थी ही नहीं। तो मायूस होके वैसे ही वापस आ गया। बाद में हमने बैटरी ली और गाड़ी बनाने के लिए निकले वापस। और यहाँ पे ये मुझे धक लगा था। फिर हमने सोचा कि ये गाड़ी बननी नहीं है, तो इसको बेचते ही है। गाडी ये ठही नहीं कोने का धक्क भरपूर लगा है खपाड़ दन ये गाडी खप जे दन को जान छूटे। बाद में जब कुछ नहीं हुआ तो हम एक ईरानी के पास पहुंचे। Come on, baby. Really now.